वैशाली जिला के एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष कारी जावेद अख्तर फैजी ने एसडीपीआई का दामन छोड़ जदयू में शामिल हो गए। पटना में नवनिर्वाचित विधान पार्षद प्रोफेसर गुलाम गौस के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर गुलाम गौस ने कारी जावेद अख्तर फैजी को फूल माला पहनाकर जदयू की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान कारी जावेद अख्तर फैजी ने कहा कि नीतीश कुमार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने जदयू का दामन थामा है। अब उनका एकमात्र लक्ष्य है कि सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे। कारी जावेद अख्तर फैजी के जदयू में शामिल होने पर जदयू के प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य मुन्ना अंसारी, जदयू जिला अध्यक्ष रॉबिन कुमार सिन्हा, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष वसीम रजा, प्रमोद कुमार अधिवक्ता, चेहरा कला प्रखंड अध्यक्ष हिमाचल कुमार, मुख्तारुल हक मोहम्मद इम्तियाज, मुस्तफ़ा अंसारी शागिर, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, रंजन पटेल आदि ने उन्हें बधाई दी है। जी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ माननीय विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हमारे गार्जियन प्रोफेसर गुलाम गौस साहब ने अभी अभी मुझे जदयू की सदस्यता दिलाई है और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। साथ में हमारे अजीज दोस्त जदयू के प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य जनाब मुन्ना अंसारी साहब का मैं शुक्रिया।